थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको अर्ज कर दूँ कि ये जो है ना आसिफ साहब, इसका सिलसिला जो है ना, ना आपको उम्मीद थी, ना मुझे उम्मीद थी, ना किसी को उम्मीद थी कि प्रवेश लाई साहब असम्बली क्यों तोड़ेगा। बात तो यही थी कि असम्बली प्रवेश लाई क्यों तोड़ेगा, उसके बाद पीरियड है और वो अपना डिलीवर करेगा। लेकिन इमरान खान का जो बयानिया था वो यही था कि असम्बली में दोनों तोड़ूंगा चीफ और पंजाब। फिर जिस तरह असम्बली सर्वेद लाई की तोड़ी है, आप वो उनको सबूत करें कि उन्होंने पहले अदमत मांग ली है और फिर उसके बाद असम्बली तोड़ी है, वरना कंफ्यूजन था होता भी है कलहरी के साथ असम्बली टूटी है। और नेचरली असम्बलियाँ जब दोनों केपी पे और पंजाब असम्बली टूट जाती है तो नेचरली इनकी अक्सरियत वोट तो है ना इमरान खान के पास, ये अक्सरियत से जीतते हैं तो फिर अगले इलेक्शन में इनकी अगर 6 महीने बाद ही इलेक्शन होते हैं तो इनके पास तो फिर एक ग्राउंड होगा, तो फिर इनकी यकीनी जीत बन जाएगी ना। न्याजी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पसे पर्दा कुछ मुजाकरात वगैरह हुए और ये तय हुआ हो कि मईशत की बेहतरी के लिए कुछ सख्त फैसले ज़रूरी हैं, वो कोई सियासी कुव्वत उसका बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए असम्बलियाँ तोड़ दें, एक निगरान हुकूमत लाएँ, सारे कड़वे फैसले उससे करवा लें जो सियासी लोग नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर चल सो चल IMF से रिलीफ ले लें, क्योंकि जो प्रेशर है कुछ सख्त फैसले करने का उसकी ओनरशिप शायद कोई सियासी कुव्वत लेने को तैयार नहीं थी, ऐसा तो नहीं है कुछ? देखो ना, उन्होंने जो मेरे हिसाब से जो तारीख इंसाफ ने समझाया कि जिस तरह उन्होंने अदम इतमाद जीता है और जिस तरह उनकी जीत हुई है, तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा है कि एक वो वेव है जो चली गया है, जो अदम इतमाद की उनकी जीत है, उसमें अगर असम्बलियाँ वो तोड़ देते हैं तो मेरा ख्याल है उनकी जीत जो है ना, जो 2/3 मेजॉरिटी वो पंजाब में ले जाएंगे। और इसी तरह KPK का आर्म वैसे ही है उनके पास, तो वो ये समझ रहे हैं, एक तो इनकी जो थोड़ा सा इनकी जो अभी शहबाज शरीफ की बार के दौरे और फिरना टुरना और उनसे जो थोड़ा बहुत इनको रिलीफ हुई है या उनको थोड़े से कर्जे मिले हैं, वो अच्छी बात है। तो वो तो आप नहीं मिलेंगे अगर न्याजी साहब अगर हुकूमत ही अपनी जगह पर मौजूद नहीं है तो बाहर से तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो तो कहेंगे कि नई हुकूमत को आने दें फिर हम बात करेंगे। अब तो हाँ, जो भी वो कह सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है आप आसिफ साहब यही आपको गुजारिश करें और हम भी यही गुजारिश करते हैं कि आप इसके बाद गवर्नमेंट को जनरल इलेक्शन की डेट देख के जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाना चाहिए। लेकिन वो गवर्नमेंट के लोग तो कह रहे हैं कि सूबाई असम्बली डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि हम जनरल इलेक्शन के लिए जाएं, हम सूबाई हुकूमतों में इलेक्शन करवाएंगे सूबाई असम्बली के। सूबाई असम्बलियों में अगर इलेक्शन होंगे ना दोनों में आगे साल, तो फिर इमरान की जीत अगर डेट ही इनको अगले इलेक्शन की लाजमी देनी पड़ेगी, फिर उसमें इनको बाउंड भी हो जाएंगे अगली डेट देने का। और अगली डेट वैसे ही मेरे से तो आप ला सकते हैं, तो कानूनी तौर पे अगली डेट के इलेक्शन जो फिक्स डेट है अगस्त की, उसकी इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन जो बात उनके फेवर में जाती है, नून लीग BDM की फेवर में जाती है, वो यही जाती है कि अगर वो जनरल इलेक्शन करा देते हैं ना, जो हमेशा था कि जो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगी वो शक हो गया खत्म। अब हमें नहीं लगता कि अगर असम्बली इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन इनको कराने पड़ेंगे 48 घंटे में गवर्नर को फैसला। खान साहब, मेरा आपसे एक बड़ा अहम सवाल है और आखिरी सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि ये जो आपको भी नहीं लगता था, हम जैसे तालिब इल्मों को भी नहीं लगता था कि असम्बली टूटेगी, लेकिन असम्बली तहरीर की असम्बली चली गई, ये फैसला खालिस्तन परवेज इलाही का फैसला है या ये कहीं एक पेज का कुछ आधा पेज बचा हुआ है या उसका फैसला है? मतलब मैं तो तालिब इल्म हूँ ना, इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि तालिब इल्म तो कलमा कुफ्र भी कह सकता है, तो कुछ बता दें कि ये कोई आधे पेज का फैसला है, पूरे पेज का फैसला है या परवेज इलाही और इमरान खान का फैसला, कैसे इंटरप्रेट करें इसको? मैंने आप इंटरप्रेट, ये पहले जो हम शकों को शुबात करते थे ना, वो अब नहीं है, अभी नहीं है, 2 महीने बाद 4 महीने बाद बैठे वो बातें शायद शुरू हो जाएं, क्योंकि हम उस तरफ जाएंगे तो शायद फिर कोई ना कोई इंटरवीन करता है, फिर इंटरवेंशन शुरू हो जाती है और मजबूर होके, क्योंकि मुल्क में सालमियत को खतरा जब लगता है तो मामला तो नहीं, इतना बड़ा फैसला परवेज इलाही साहब ने, ये टोटली इमरान का फैसला है, टोटली असम्बली तोड़ना इमरान का फैसला है।
तो इस वक्त फिर वक्ती तौर पर ये मैच जीतता कौन नजर आ रहा है, मौलाना फजलुर्रहमान साहब या इमरान खान साहब? कौन, फजलुर्रहमान साहब जीत रहे हैं या इमरान खान साहब जीत रहे हैं अब तक के मैच में, केपीके में? नहीं नहीं, ओवरऑल पूरी कौमी सियासत में जीत किसकी हो रही है, फजलुर्रहमान साहब के मौकफ की या इमरान के मौकफ की? नहीं इमरान, आपको पता है कि जो भी हम कहते हैं हमारे इख्तलाफात ही हो ना, आप देखो ना, एक लीडर तो आपके पास एक ही है ना, वोट उसी का ही है। मकसूद गंदा होगा, बुरा होगा, मैं नहीं कहता, मैं उसकी वकालत नहीं करता, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि वोट उसी का है, जितना उसे ज्यादा करोगे उसका वोट और बनेगा। ये मेरी एक मेरे ये तो हकीकत है।